ऐसे फटाफट बनाएं मूंग दाल का चीला, हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी। मूंग दाल खाने में सुपाच्य होता है और इसमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। डॉक्टर भी मूंग दाल खाने की सलाह देते हैं। हम आज मूंग दाल की एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आए हैं जिसे न सिर्फ बनाना आसान है बल्कि यह खाने में भी काफी हेल्दी और टेस्टी है। इसमें स्टफिंग के लिए आप चाहें तो पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे इसका स्वाद बढ़ेगा। बड़ों और बच्चों दोनों को ये डिश काफी काफी पसंद आएगी। खास बात यह है कि इसे सुबह के ब्रेकफास्ट या शाम के नाश्ते में बनाया जा सकता है। आगे पढ़ें मूंग दाल के चीले की रेसिपी। सामग्री: 1 कप भीगी हुई मूंग दाल, पनीर, 100 ग्राम शिमला मिर्च, 1 छोटी साइज बारीक कटी हुई गाजर, आधा कप हर धनिया डैश, 3-4 चम्मच बारीक कटा हुआ नमक, स्वाद अनुसार अदरक पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 या 2 बारीक कटी हुई तेल डैश, 3-4 टेबल स्पून हींग डैश, 2 चुटकी वृद्धि। सबसे पहले मूंग दाल को 4-5 घंटों के लिए भिगो दें। अब भीगी हुई दाल में हींग थोड़ा सा पानी मिलाकर पीस लें। पिसी हुई दाल में अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक मिला लें। अब पनीर को कद्दूकस कर लें। तवा गर्म करें और 1 चम्मच तेल पूरे तवे में फैला दें। अब दाल के मिश्रण को तवे पर डालें और धीरे धीरे इसे तवे पर फैला दें। 1 छोटी चम्मच तेल इसके चारों ओर डालें और थोड़ा सा तेल ऊपर डालें। जब चीले की निचली सतह गोल्डन रंग का दिखे तो इसे पलट दीजिए। अब ऊपरी सतह पर 2 चम्मच पनीर बिखेर दें और डोसे की तरह मोड़ दीजिए। अब चीले को चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। ऐसे तैयार करें स्टफिंग। पैन में 2 चम्मच तेल डालें और इसे गर्म कर लें। अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालकर हल्का भून लें। अब पैन में गाजर, बेबी कॉर्न डाल दीजिए और 1 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें शिमला मिर्च को हल्का भूनें और नमक डाल दें। इन भुनी हुई सब्जियों को ठंडा कर लें और इसमें कद्दूकस किया पनीर मिला लें। अब आपका स्टफिंग तैयार है। चीला बन जाने के बाद स्टफिंग को अच्छे से चीले पर डालें और इसे डोसे की तरह मोड़ लें और चटनी के साथ सर्व करें।